तो दोस्तों कैसे हैं आप। मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नोवे सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। लेकिन अगर आपका बजट 15,000 के नीचे है तो आप रुक जाइए, 4th of March का वेट कीजिए, क्योंकि स्मार्टफोन जो आने वाला है 15,000 में ना, किलर होने वाला है। स्पेसिफिकेशन इसके ऑफिशियल आ गए हैं एंड प्राइस भी कल आई थी सारी चीजें। मैं बात कर रहा हूँ रेडमी नोट 10 सीरीज के बेस वाले स्मार्टफोन, यानी वेनिला वेरिएंट की, जो रेडमी नोट 10 होगा उसकी। वैसे अगर आपका बजट 10,000 के आसपास का है ना, तो सुबह का एक वीडियो बनाए जाके जरूर देखिए, दे दूंगा यहाँ पे कहीं पे कार्ड एंड सबसे अच्छे 5 स्मार्टफोन वाली लिस्ट सुबह मैंने बनाई है, जाके जरूर देखना। फिलहाल चलते हैं रेडमी नोट 10 के बारे में, सारे स्पेसिफिकेशन। अभी नोट 10 प्रो, नोट 10 प्रो मैक्स के बारे में नहीं है, लेकिन जो पता चले वो भी बताने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडमी नोट 10 के बारे में, चलते वीडियो की तरफ। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना, ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आके पूछ लो इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। रेडमी नोट 10 इसका जो प्राइस है वो कल परसों लीक हुआ था एक्चुअली, एंड आज इसका पूरा स्पेसिफिकेशन लिस्ट हो गया है एंड सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका बॉक्स लिस्ट हुआ है, जिससे बॉक्स के साथ साथ इसका जो स्टिकर होता है ना फ्रंट में डिस्प्ले पे लगा रहता है, जिसके ऊपर सारे स्पेसिफिकेशन लिखे रहते हैं, वो लीक हो गया है, सब कुछ पता चल गया है। सबसे पहले डिस्प्ले डिजाइन से बात करेंगे, तो इसमें आपको 6.43 इंच का एमोलेड का फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले आने वाला है, वो भी पंच होल नॉच के साथ, यानी अच्छा दिखेगा। चलिए, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन हो सकता है रेडमी दे देता है इस प्राइस में, तो पॉसिबली यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। रियर साइड पे आपको क्वाड कैमरा का सेटअप रहेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, रेडमी की ब्रांडिंग रहेगी। इमेज तो पहले ऑलरेडी आ चुका है इसका, वही वाला रहने वाला है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आने वाले। लेकिन स्मार्टफोन डिस्प्ले डिजाइन के हिसाब से अपनी प्राइस पे वन ऑफ द बेस्ट होगा दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं परफॉर्मेंस की। इसमें स्नैपड्रैगन 678 का चिपसेट आने वाला है, ऑक्टाकोर का चिपसेट है, अच्छा है, नया है, दिसंबर में ही लॉन्च हुआ है अभी 2 महीने पहले। एंड ये जो 675 था ना, उसका सक्सेसर है, ये जो नोट 7 में 675 आया था उसका सक्सेसर है। एंड परफॉर्मेंस की बात करोगे, 2,10,000-2,15,000 के आसपास का अंदुदू का स्कोर आ जाता है, 2.2 और 2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है कोर्स सारे, अच्छी बात है। एड्रीनो 612 के साथ आता है, गेमिंग ग्राफिक्स अच्छी खासी कर लोगे। एंड्रॉइड 11 के ऊपर आएगा, जो कि MIUI 12 के साथ आएगा, थोड़े से ब्लॉट फेस रहेंगे लेकिन आप डिलीट कर पाओगे। फीचर्स, परफॉर्मेंस सारी चीज़ों के हिसाब से अच्छा होने वाला है, परफॉर्मेंस आपको तगड़ी मिलेगी दोस्तों। कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा आने वाला है, सोनी का सेंसर होगा, F1.8 का अपर्चर होगा, फोटोग्राफी अच्छी खासी कर पाओगे। उसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर आने वाला है। अगर माने रेडमी के मनु कुमार जैन के ट्वीट की, तो इसमें 5 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस मिलने वाला है, जो कि कहा जा रहा है कि टेलीफोटो सेंसर के बराबर काम करेगा। उन्होंने ट्वीट किया था, लिखा था कि रेडमी नोट 10 सीरीज में आपको मैक्रो लेंस जो होगा वो आपको टेलीफोटो सेंसर के बराबर काम करने वाला मिलेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है। फ्रंट साइड में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 13 मेगापिक्सल वाला सेंसर आपको फ्रंट में मिलेगा, ज्यादा चांसेस। उनके फ्लैगशिप जो 15,000-20,000 के ऊपर वाले होते हैं, उसमें 20 मेगापिक्सल आते हैं एंड नीचे वाले में 13 मेगापिक्सल, तो पॉसिबली यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर मिल जाएगा। देखेंगे, लेट्स सी, कुछ चीज़ें तो वीक होंगी जब इतनी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। तो इसके साथ आपको 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है, 33 वाट का चार्जर होगा, टाइप सी का पोर्ट होगा, तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 5000 mAh काफ़ी है, इनफ है, आपको अच्छा खासा बैटरी परफॉर्मेंस मिल जाएगा एंड 33 वाट का चार्जर, यानी आराम से 1 घंटे के आसपास में आप फुल चार्ज कर पाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्लॉट आपको एक्सपांडेबल मिलेगा, यानी एक्सपांड कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्राइस लीक हुई थी, इसका बेस वेरियंट कहा जा रहा है जो था वो 6GB 64GB का था, एंड उसकी प्राइस आई थी 15,999 या 16,000 rupees, एंड जो बॉक्स प्राइस होता है उससे समझ लो 1-2,000 नीचे होता है, तो कहा जा रहा है कि 14,000 की प्राइस तक ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है 6GB 64GB। और मैं कहूँगा कि 14,000 में अगर 6GB 64GB आ गया तो मैं कहूँगा डील बहुत अच्छी है। लिटरली अगर आप इसका वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स या प्रो के बारे में बात करें तो कहा जा रहा है उसमें एक 5G फोन होगा, एक में 108 मेगापिक्सल कैमरा होगा, 768G का 5G चिपसेट और 732 का वाला चिपसेट जो है 32G का, ये दोनों आने वाले हैं। बाकी और कुछ ज़्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं पता चला है। 120Hz का रिफ्रेश रेट, IPS का पैनल वो होने वाला है। मेरे हिसाब से एमोलेड उसमें भी देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन परफॉर्मेंस जो नोट 10 की बात करें, बाकी स्पेसिफिकेशन कमाल के होने वाले दोस्तों। तो वेट कर रहे हो कि नहीं नोट 10 का, जरूर बता देना। नोट 10 सीरीज का 4 तारीख को आ रहा है। वैसे ही कैसा लगा आपको स्पेसिफिकेशन सुन के जरूर बता देना, कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा स्मार्टफोन जरूर बता देना। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। और साइड में देखो व्यक्ति में जो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और सपोर्ट भी कर सकते हो, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कभी पूछना है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया करने साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।